हेलो गाइस, ये है टीवीएस अपाचे आरटीआर 160। गाड़ी के लिए आज बताने वाला हूं उसके बारे में। मैंने ऐसे अभी तक 11,000 किलोमीटर चला लिया है। इस गाड़ी की खास बात ये है कि इसमें माइलेज आपको अच्छा मिल जाएगा। ये गाड़ी आपको 50 से 55 तक का माइलेज निकाल देगी। अगर आप लंबे रूट में जा रहे हैं और या आप सिटी में या लोकल में चला रहे हैं तो ये 40 से 45 का एवरेज ही निकालेगी। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये फाइबर की क्वालिटी भी अच्छी लगी मुझे, इंडिकेटर वगैरह भी ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी गिरती है तो फाइबर पे कोई स्क्रैच नहीं आएगा, पूरा इफेक्ट आपके हैंडल और लेग गार्ड पे आता है। जैसे आप देख सकते हैं ये लेग गार्ड थोड़ा सा घिसा हुआ है क्योंकि मेरी गाड़ी एक दो बार गिर चुकी है। ये गाड़ी चलाने में बहुत स्मूथ है लेकिन बस थोड़ा सा वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है। अगर आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं और 100-110 से पे गाड़ी चला रहे हैं तो वाइब्रेशन का प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि गाड़ी वाइब्रेट कर रही है। तो इस बाइक की ब्रेकिंग पावर भी अच्छी है, इसमें आगे डिस्क ब्रेक दिया है और पीछे डिस्क ब्रेक ऑप्शनल है। अगर आपको चाहिए तो पीछे डिस्क ब्रेक भी 160 में मिल जाएगा। इसमें दिया है 160 सीसी का पावरफुल इंजन जो 15 bhp की पावर जनरेट करता है। बाकी गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है। ये मैंने अभी तक इसकी टॉप स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर तक इसको ले गया हूँ। इस बाइक को मेरे को चलाते हुए 2 साल हो गए हैं और लेकिन इसमें सर्विसिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं आता आपका। 600-700 रुपये में आपकी सर्विसिंग हो जाएगी। ऑयल चेंज करवाना रहता है आपको, ऑयल फिल्टर चेंज करवाना पड़ता है और नॉर्मल सर्विसिंग फिल्टर क्लीनिंग वगैरह करवाना पड़ता है। इसका एवरेज भी ठीक ठाक है, इस सेगमेंट में बाइक बहुत अच्छी है। बाइक सुबह सुबह स्टार्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, इसलिए आपको पहली बार सुबह अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर आपको इस सेगमेंट में कोई भी बाइक लेनी है तो मैं अपाचे 160 प्रेफर करूँगा। इसका 180 मॉडल अगर आपको लेना हो तो वो भी। अपाचे 180 का माइलेज इससे लगभग 4-5 किलोमीटर कम है। इस बाइक का साउंड भी बहुत अच्छा है, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ इसका साउंड। बाइक में TVS कंपनी के टायर दिए गए हैं जो कि ट्यूबलेस हैं। गाड़ी के टायर की परफॉर्मेंस तो ठीक है लेकिन रेनी सीजन में थोड़े से स्लिप होता है। अगर आप चला रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ब्रेक लगाते टाइम थोड़े से स्लिप हो रहे हैं टायर, लेकिन आप इन टायरों से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं रख सकते। ओवरऑल ये बाइक लुक वाइज अच्छी है। इस पर पीछे RTR 160 लिखा है पीछे के काउल पे, टैंक पे, और काउल पे भी स्टिकर है। ये नीचे कॉल दिया गया है, इससे लुक और अच्छा हो जाता है बाइक का। इसकी सिटिंग पोजीशन बहुत एग्रेसिव है। अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तो आपको थोड़ा सा बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है इस बाइक में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस बाइक की सीट स्प्लिट करवा के रखी है। आप चाहें तो आप भी अपने बाइक में थोड़ा बहुत सिंपल मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, इससे बाइक का लुक और अच्छा हो जाएगा। इसमें दिए गए DRL नाइट के टाइम बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। रेनी सीजन के लिए TVS कंपनी आपको एक एडिशनल मडगार्ड प्रोवाइड करवाती है जो इसके साथ आता है, वो इसके ऊपर लग जाता है। ये वाला मडगार्ड कीचड़ या पानी को रोक नहीं पाता है। चलिए अब मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखाता हूँ। इसमें ओवरऑल बहुत ही अच्छे फीचर प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें टैकोमीटर, ऑडोमीटर, वॉच, फ्यूल गेज, टॉप स्पीड रिकॉर्डर और लैप टाइमर भी दिया गया है। इस बाइक में TVS ने जो टॉप स्पीड रिकॉर्डर और लैप टाइमर दिया है वह इस सेगमेंट की किसी भी बाइक में आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज, माइलेज वाइज TVS अपाचे RTR इस सेगमेंट में बेस्ट बाइक है।